हेलो दोस्तों, क्या आप भी असेसमेंट ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स की रिटर्न में ATDD और ATU की डिडक्शन लेना चाहते हो, यानी कि डिसएबिलिटी की आप छूट लेना चाहते हो? तो इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है इनकम टैक्स का फॉर्म 10IA। जब हम 10IA फॉर्म सबमिट करेंगे तो इसके लिए हमें तो सर्टिफिकेट और एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि इन दो नंबरों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिलेंगे कहाँ से? ATDD और ATU की जो डिडक्शन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसकी मैक्सिमम छूट अपनी कितनी ले सकते हैं? तो इन सब पॉइंट पे आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना, ताकि आपका जो भी सस्पेंस है ATDD और ATU को लेके वो क्लियर हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आज की वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डिडक्शन पे। तो डिडक्शन के अंदर एक आ रहा हमारा ATDD, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट हैंडीकैप डिपेंड्स, और दूसरा हमारा ATU। अब इन दोनों डिडक्शन में डिफरेंस क्या है? तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ATU और ATDD को सेम ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले अपने बात करते हैं ATU के बारे में। अब ATU का मतलब हो गया भी जो टैक्स पेयर जो अपनी खुद की ITR फाइल कर रहे हैं, अगर वो डिसएबिलिटी है, उसके पास में डिसएबिलिटी का कोई रजिस्टर्ड, उसके पास सर्टिफिकेट भी है, और दूसरा उसके पास में डिसेबिलिटी का ID कार्ड भी बना हुआ है। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन भी लागू होती है भी, अगर उसका डिसेबिलिटी का जो कार्ड है उसके अंदर जो उसकी डिसेबिलिटी है वो 40% से लेके अगर वो 80% तक है, तो उसके जो डिडक्शन है मैक्सिमम वो हम 75 यानी कि 75,000 तक उसकी छूट ले सकते हैं। अगर जो डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो 80% से ज़्यादा की है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम 1,25,000 रुपये की मैक्सिमम में छूट ले सकते हैं। लेकिन अब ATU फॉर्म को किसके लिए आएगा, किसके लिए डिडक्शन है? जो ITR अपनी जो टैक्स पेयर है वो अपनी ITR खुद फाइल कर रहे हैं और वो खुद ही डिसेबिलिटी में आ रहे हैं। अब अपने बात करते हैं ATDD की। अब ATD के अंदर जब अपने यहाँ पे डिडक्शन फॉर्म पे जाते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे को आ रहा है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अब यहाँ पर भी सेम वही दो कंडीशन जिस पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बी डिफेंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि यहाँ कंडीशन होती है 40% से लेके 80% के बीच वाली, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आ रहा है डिपेंडेंट पर्सन विद सर्व डिसेबिलिटी, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा टाइप ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि अब यहाँ पर ATDD की जो डिडक्शन है वो आप खुद के लिए नहीं ले सकते, आप ले सकते हो अपनी फैमिली मेम्बर के लिए, यानी कि ऐसा आपका फैमिली का मेम्बर जो यहाँ पर लागू हो रहा है, जैसे यहाँ पे सपोज सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, यानी कि माता पिता, पत्नी, भाई और बहन, इनमें से कोई एक व्यक्ति है जो टैक्स पेयर यानी कि जो ITR फाइल कर रहा है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, जो मतलब डिसेबिलिटी है उसके पास में कोई जॉब मतलब इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो अपनी ITR फाइल नहीं करते, वो सारा का सारा उसका जो खर्चे हैं वो टैक्स पेयर कर रहा है, यानी कि वो उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंसेस कर रहा है वो इनमें से, तो उसकी डिडक्शन उसको मिलेगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा सन है, डॉटर है, फादर है, जो भी है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा पेन नंबर यानी कि फादर्स का पेन नंबर, उसके बाद में आधार ऑफ द डिपेंडेंट यानी कि फादर्स का यहाँ पर आधार का नंबर, यहाँ पर आ जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10IA। अब अपन बात करते हैं 10IA फॉर्म की। तो ये 10IA फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। तो यहाँ से आपको 10IA फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही अपने 10IA फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बात आ जाती है सर्टिफिकेट नंबर की। तो अब ये सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? तो सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो मिलता है जो जिसका डिसेबिलिटी का ID बना हुआ है उसके ऊपर, यहाँ पर जो एक नंबर मिलेगा आपको UDID का, ठीक है ना। अब ये UDID नंबर आपका, आपको मैं इसका सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, ये जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट का नंबर आपको दिखाई देगा। ये जो सर्टिफिकेट का नंबर है, हालांकि मैंने सिक्योरिटी पर्पज से इसको मतलब हाइड किया हुआ है, ये जो सर्टिफिकेट का नंबर है ये हमें फॉर्म 10IA के अंदर सबमिट करना पड़ेगा।
उसके बाद में यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ इश्यू आ गया इसका, वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, नेम वगैरह सारा आ जाएगा, उसके बाद में एड्रेस की डिटेल सारी आ जाएगी। अब उसके बाद में डिटेल यहाँ पर और भी आएगी भी, अब यहाँ पर अगर जो टैक्स पेयर है वो खुद ITR फाइल कर रहा है, अगर वो खुद ही डिसेबल है, डिसेबिलिटी के अंदर आ रहा है, तो उसकी खुद की डिटेल यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। अदरवाइज वो किसी दूसरे बंदे का कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका नाम है जो उनको लिखना पड़ेगा, जो भी उनका नाम रहेगा, नाम, मिडल नंबर वगैरह, मिडल नेम वगैरह, वो सारी डिटेल उसको यहाँ पर देनी पड़ेगी, सन ऑफ वगैरह, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर का, ठीक है। ऊपर आ रहा था सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट का नंबर तो आपका जो ID आपके पास होगी, ID के अंदर भी आपको मिल जाएगा। जैसे आपको हम देखते हैं ये जो ID है यहाँ पर, जो ये UDID नंबर है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब वो सर्टिफिकेट नंबर आपका, ये जो ID है, ये ID के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट आपको ओपन करनी है यूनिक डिसेबिलिटी ID का। इसके अंदर आपको PWD के अंदर लॉगिन होना है। जैसे अपने इसके अंदर लॉगिन होंगे तो यहाँ आपको जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, UDID जो नंबर है जिसको हम बोल रहे थे अभी, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसका कैप्चा करने के बाद अपने लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद में हमें कुछ इस तरीके का ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उसके अंदर सर्टिफिकेट नंबर आपका वही आ रहा है जो UDID नंबर उसके ID पे आ रहा था, और यहाँ एक इम्पोर्टेंट आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, हालांकि इसको मैंने 00 कर दिया। तो ये आपका 20 डिजिट का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वाला, ये 20 नंबर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वो लाना है। बहुत सारे लोग गलती ये कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट का जो नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर डाल रहे हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, सर्टिफिकेट नंबर आपको अलग मिलेगा। तो ये सब कुछ जैसे हमने सारा डाटा फिलअप करने के बाद में हमारा फाइनली 10 IE फॉर्म है जो सबमिट हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, और सर्टिफिकेट नंबर आने के बाद में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिखाई देगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 10 IE फॉर्म के अंदर डालना जरूरी है। तो इसलिए जब हम रिटर्न में फाइल करेंगे तो यहाँ पर अगर अपने डिडक्शन की बात करें तो यहाँ आप देखोगे 75,000 यानी कि 75,000 रुपये की छूट आ रही है। अब ये हमने कौन सा ऑप्शन दिया था, डिसेबिलिटी 40% से लेके 80% के बीच में है। तो अगर यहाँ पे अपने सेकंड ऑप्शन चलते हैं, उसके बाद में फादर्स वगैरह जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आप डिडक्शन देखोगे तो 1,25,000 रुपये की ये मैक्सिमम आपको छूट मिलेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारा मेन टॉपिक यही था कि हमें जो सर्टिफिकेट नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें कहाँ से मिलेगा। अब उसके बाद बात आएगी भी जो हमें इसकी जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज देखना है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो इसका जो कार्ड बनेगा उस कार्ड के ऊपर भी लिखा होगा, और जो उनका सर्टिफिकेट होगा इस सर्टिफिकेट के ऊपर भी ये चीज़ें लिखी होंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये आ रहा है, दिस इज 50% डिसेबिलिटी रीजन। अब जो भी रीजन रहेगा, लेफ्ट लोअर LLB एज पर जो हुई, अब ये जो सर्टिफिकेट है यानी कि ये 50% है, यानी कि अभी इनको मैक्सिमम 75,000 रुपये तक की छूट है जो 80DD के अंदर मिल सकती है। किस कंडीशन के अंदर, अगर ये ITR खुद फाइल नहीं कर रहे हैं, ये खुद जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर ये खुद ITR फाइल कर रहे हैं तो इनकी 80U के अंदर इनको डिडक्शन मिलने वाली है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी आप जरूर कर लेना। आगे भी आपको इस टाइप की नई नई वीडियो और भी लगातार मिलती रहेगी। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।